सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ गाइस यहाँ पे एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल लिवोल का, आर्क पुग्नेशिया का। तो गाइस, आर्क पुग्नेशिया के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस एक खतरनाक से अपनी टाइटन आर्मी जो है ना गाइस वो बना रखी थी। एंड पिछले एपिसोड में जो ना गाइस हमने यहाँ पे जो ना गाइस टीम करा था ग्राइफॉन भाई। यस गाइस, एक ग्राइफॉन एक्चुअली में वो ग्रिफिन है, बट उस ग्रिफिन को पता नहीं इस मॉड में ग्राइफॉन पीपॉन नाम जो ना गाइस वो क्यों दिया गया है। तो एक जो ना गाइस खतरनाक हेड ओपी सा ग्रिफिन जो ना गाइस इसको टेम करने का काम भी जो ना गाइस हमने पिछले एपिसोड में जो ना गाइस यहाँ पे करा था। और आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले गाइस, आज के एपिसोड में तुम्हारा भाई जो ना गाइस वो यहाँ पे इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके और भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस किसी डायनो को जो ना गाइस टेम करने का काम करने वाला है। तो आज का जो एपिसोड है गाइस उसमें काफी ज्यादा मजा हमको आने वाला है। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है इसी वीडियो बनाने के लिए। जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस हमारे व्लॉगिंग चैनल का, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले भाई लोग करते आज का जो एपिसोड है ना गाइस वो बिना किसी देरी के शुरू। एंड हम लोग जो ना गाइस सबसे पहले यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे से ग्राइफॉन को यूज करेंगे गाइस। ठीक है, ये देख रहे हो, ये हमारा भाई ग्राइफॉन भाई, ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं भाई। ओके, वे एक्चुअली में भाई अपना एक ग्रिफिन है, बट इसका नाम जो ना गाइस ग्राइफॉन भी पॉन रखा गया है यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। और अभी इसी का इस्तेमाल करके जो ना गाइस अपन भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड जो ना गाइस वो एक्सप्लोर करने वाले। ओ ज़ॉम्बी ब्रोंटो था, अगर उसको टेम करता तो मजा आ जाता यार। ज़ॉम्बी टाइटन को टेम कर सकता हूँ क्या? ये तो नॉर्मल टाइटन है भाई, इसकी भाई 10 मिलियन हेल्थ है भाई, वो भी बोल दे ब्रो। इसे 10 मिलियन हेल्थ वाले को मैं भाई अभी फिलहाल के लिए डाउन तो नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही है। सो अपन भाई अभी यहाँ पे करे तो करे क्या गाइस, क्या बोलते हो? मैं थोड़ा सा और भाई एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मेरे को कोई खतरनाक ओपी सा डायनो चाहिए होगा भाई। ठीक है, एकदम खतरनाक और डेंजरस वाला भाई। ज़ॉम्बी क्रीचर भाई, ज़ॉम्बी क्रीचर काफी ज्यादा मिल रहा है मेरे को। ज़ॉम्बी एंकलो भी दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पे, एंड मैग्मासोर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वैसे वो नॉर्मल वाला मैग्मासोर है, कोई ज़ॉम्बी वाला। ओ ज़ॉम्बी ब्रोंटो गाइस, एक और गाइस ज़ॉम्बी ब्रोंटो को टेम कर ले क्या? नॉकआउट टेम है और 2 ज़ॉम्बी ब्रेन से गाइस टेम हो जाएगा ये। चलो आ जाओ गाइस, इसको जो ना गाइस यहाँ पे अपन टेम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाप रे भाई 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 भाई, ये ब्रोंटो पावड़ा है क्या? आई डोंट नो, ये मेरे को मार कैसे पा रहा है भेज क्या? ये ब्रोंटो मेरे को मार कैसे पा रहा है इतने ऊपर तक भाई? इसका जो ना गाइस लगभग 50,000 टॉर्पोर जो ना गाइस वो मैंने चढ़ा दिया है, 60,000 ऑलमोस्ट। ऑलराइट 70 80, एड देना भी इसको तो भागना चाहिए था, लेकिन भाग नहीं रहा भाई ब्रोंटो। लेट्स गो गाइस, आज जो भी हमको खतरनाक से ज़ॉम्बी क्रीचर दिखेंगे उन सारे ज़ॉम्बी क्रीचर को आज तुम्हारा भाई टेम करेगा। आ जाओ चलो लेट्स गो, कोई खतरनाक सा तो डायनो आजू बाजू नहीं घूम रहा ना गाइस, क्योंकि उससे मेरे को खतरा काफी सारा हो सकता है। मेरे पास ज़ॉम्बी ब्रेन नहीं है, मैं ज़ॉम्बी ब्रेन लेके नहीं आया यार, रुक जाओ मेरे को घर पे जाने दो। एंड वहां से जो ना गाइस अपन, ए एक मिनट रुक जाओ, सामने क्या है वो यूनिकॉर्न जिसके पीछे से रेनबो निकल रहा है भाई? हेलो, ये क्या चीज है ये भाई? ये किसने मेरे को टच करा भाई? किसने तो मारा मेरे को वहां पे, पता नहीं किसने। रुक जाओ, मेरे पास जो ना गाइस ज़ॉम्बी ब्रेन काफी ओपी वाले मतलब काफी ज्यादा मात्रा में पड़े हुए यहाँ पे, वो उठा लेता हूँ। और वहां पे मेरे को ऐसा यूनिकॉर्न दिखाई दे जिसके पीछे से जो ना गाइस रेनबो निकल रहा था। 10,000 तो ज़ॉम्बी ब्रेन नहीं चाहिए यार, ओवरवेट काफी ज्यादा हो जाऊंगा। 1,000 से काम बन जाएगा, ऐसे उतने भी नहीं चाहिए होंगे, 600 से काम बन जाएगा। चलो लेट्स गो गाइस, लास्ट लोकेशन पे चल दे और अपने जो ना गाइस ज़ॉम्बी वाले ब्रोंटो का सबसे पहले टेम कर लेते। वैसे ज़ॉम्बी, अरे यार मैंने होम पे क्यों भाई टेलीपोर्ट मारा, मेरे को लास्ट लोकेशन पे टेलीपोर्ट मारना था। हाँ भाई गिरा दे यार नीचे भाई, रुक जाओ चलो, मेरे को लास्ट लोकेशन पे टेलीपोर्ट मार रहा था, मैंने गलत जगह पे टेलीपोर्ट मार लिया। चलो वैसे यहाँ पे मेरे को एक यूनिकॉर्न खतरनाक सा दिखाई दिया है, बट हमने अभी फिलहाल के लिए ठान रखा है कि हमको ज़ॉम्बी क्रीचर चाहिए। तो आज जो ना गाइस खाली हम ज़ॉम्बी क्रीचर को ही टेम करने का काम करेंगे भाई, ज़ॉम्बी क्रीचर के अलावा और कुछ टेम नहीं करेंगे। तेरा नाम क्या है भाई? ट्राइक नहीं भाई, ट्राइक नहीं, इसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न 504 लेवल का है ना गाइस, जिसको अपन बाद में देख लेंगे भाई। आ जा भाई, मैंडिस चलना क्या अंकल, लाड में आ रहे हो क्या? अच्छा ऑर्गेनिक पॉलीमर की सख्त जरूरत तो थी मेरे को, एंड मेरे को थोड़ी सी एरो चिटिन गन पाउडर। हेलो, ये कब से सारा सामान देने लग गया भाई मेंटीज? गन पाउडर पिन पाउडर मिल गई गाइज मेरे को, अच्छी बात है। चलो आ जाओ, इसके अंदर ब्रेन डाल के जो ना गाइज इसको पटाख से हम टेम कर लेते हैं गाइज। दो ही ब्रेन डालना है हमको, ज्यादा कुछ नहीं डालना गाइज।
दो ब्रेन डालेंगे एंड तुरंत ही डेम हो जाएगा। इजी पीजी ब्रो। गाइस ज़ोंबी ब्रोंटो ज़ारास भाई उसकी आंखें देखना गाइस येलो येलो आ गए गाइस ये देखो। वैसे भाई ब्रोंटो की येलो येलो आंखें नहीं होती है भाई। सब चला जाओ आगे चलते भाई। आज तो सारे ज़ोंबी क्रिएचर ही गेम टेम करेंगे। मैंने यहाँ पे एक ज़ोंबी वाला वो देखा था एंग्लो गाइस उसको भी टेम कर लेता हूँ। मे बी यही कहीं पे तो देखा था मैंने यार। वेर इज द ये आ गए ज़ोंबे एंकलोसॉरस एंड ये ओह शिट गाइस इसको टेम कर डाला ना तो लैप जिंग वाला लगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ ये काफी रेयर होता है काफी ज्यादा रेयर होता है। एंड इसको एक बार अपन ने टेम कर डाला तो लैप जिंग वाला क्यों अभी बताता आपको। रुक जाओ अबे तेरे को मारा ही नहीं मैंने लगा के तेरे को मारा ही नहीं भाई। अच्छा ज़ोंबी क्रिएचर है ना तो भाई ये मेरे को भाई मतलब वो फॉलो कर रहा है यार यहाँ पे। ठीक है ले गाइस ठीक है इसको भी नॉकआउट कर दिया। गाइस मेरे को अभी ज़ोंबी क्रिएचर में जो ना गाइस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक ऐसा खतरनाक सा डायनो मिला है ना गाइस जिसकी पावर देख के आप खुद चौंक जाओगे। गाइस मैंने एक्चुअली में इसकी पावर जो ना गाइस फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में देखी थी। इसकी पावर क्या आपको दिखा देता हूँ। पहले भाई ज़ोंबी जो क्रिएचर है ना गाइस इनको यहाँ पे टेम कर लेते हैं भाई। ठीक है आ जाओ। एंड ये जो चीज अपन को मिली है भाई ये है नेक्स्ट लेवल चीज। होए 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 क्या चीज रेगुलर केबल रेगुलर केबल तो पड़ा है मेरे पास ओके। एंड ये भी पड़ा हुआ है ठीक है हो जाए टेम भाई साहब इसकी पावर दिखाता आपको गाइज। चलो गाइज आज तो अपना काम हो गया गाइज आज अपना काम हो गया टेमिंग शेमिंग जो ना गाइज समझ लो अपने आज हो गई गाइज। ठीक है आ जाओ लेट्स गो अभी जो ना गाइज अपन जल्दी सीधा घर पे गाइज। ठीक है होम पे डीपी एंड भाई अभी जो है ना गाइस आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस सदी की सबसे ज्यादा खतरनाक वाली चीज भाई। इस सदी की नहीं इस मॉड की गाइस जो अभी तक हमने टेम करी है वो पानी के नीचे कुछ तो है गाइस। अच्छा ब्रैचू था बैसिलो दिखाई दे रहा था ठीक है इसके अंदर से ना मेरे को चीटिन निकालने दो गाइस वैसे। ऑलराइट एंड इसको क्राइव करने दो। अच्छा भाई ग्राइफोन ग्रिफिन को भाई ग्राइफोन बिफोन पता नहीं क्या बना डाला है एंड इसके अंदर मेरे को चीटिन डालने दो। ऑर्गेनिक पॉलीमर के लिए आई थिंक मैंने कुछ बना रखा था यहाँ पे। हाँ इनके अंदर स्पार्क पाउडर है कि नहीं मेरे को ये पता नहीं अभी तक स्टिल यार। चलो इनके अंदर स्पार्क पाउडर हमने डाल नहीं है रखी है ठीक है। स्पार्क पाउडर यहाँ पे बनाने के लिए डाली है मैंने। मैं वर्क बेंच जो ना गाइस वो सारी चीज़ें बना लूँगा आज ठीक है। पहले आपको जो ना गाइस इस कारनो का जलवा दिखा देता हूँ। वैसे कारनो का सैडल क्या अपन बना सकते हैं कारनो सैडल एंड ये अच्छा ये वाला सैडल ना क्राफ्टेड एट स्मिथी आई थिंक ना। हाँ कारनो का सैडल क्राफ्टेड एट स्मिथी। ऑलराइट ये सारा सामान यहाँ पे डाल दो। एंड मेरे को यहाँ पे अभी ना एक और चीज़ बनानी है वो है भाई फैबी। क्या नाम है फैबी। ऑलराइट मैं फैबी बना सकता हूँ। एंड फैबी के अंदर अपन केमिस्ट्री बेंच बना देंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें जो ना गाइस एकदम इजी पीजी बन जाएगी। ऑलराइट फैबी पहले मेरे को यहाँ पे लगा दो। फैबी लगाने के लिए वैसे जगह तो है यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूंगा गाइस ठीक है। ऑलराइट ये देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ इधर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। एंड इसके लिए गैसोलीन चाहिए होगा ना आई थिंक मेरे पास गाइस ऑयल पड़ा होगा उसको खींच के जो ना गाइस मैं गैसोलीन बना सकता हूँ। लार्ज बॉक्स में ऑयल तो है इसको पुल तो कर दिया है मैंने बट मेरे को थोड़ा सा हाइट भी चाहिए होगा गाइस थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा हाइट चाहिए होगा। 10,000 आई थिंक इनफ रहेगा क्या अभी 10,000 से काम बन जाएगा। चलो यहाँ पे मैं गैसोलीन बनाने के लिए डाल देता हूँ ताकि अपना फैबी जो है ना गाइस वो बड़े आराम से जो ना गाइस यहाँ पे वर्क कर सके। ऑलराइट एक काम कर स्प्लिट हाफ कर लेता हूँ इजी रहेगा जल्दी जल्दी बनेगा एक्चुअली में इजी नहीं रहेगा जल्दी जल्दी बन जाएगा। ऑलराइट एंड सबसे पहले आपको जो ना गाइस मैं ब्रोंटो एंड वो कछुआ जो है ना गाइस वो दिखा देता हूँ गाइस। ये दो ज़ोंबी क्रिएचर देखने के बाद मैं आपको जो ना गाइस आगे का अपना खतरनाक सा वो कारनो दिखाऊंगा। ये देखो गाइस नॉर्मल एग्लो है इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है बट ये पूरी तरह से ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुका है गाइस। इसकी पूरी बॉडी देखो पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना गाइस ऐसे भाई खरोचों के निशान है इसके। इसकी भाई येल्लो येल्लो डर्टी येल्लो वाली आंखें तो देखो कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है। ओए होए ठीक है इसको क्राइव कर लेता हूँ। वैसे मैं ब्रोंटोसॉरस को चलाने के लिए जो ना गाइस टाइटनोसॉर नहीं भाई वेर इज आवर ज़ोंबी भाई ज़ोंबी ब्रोंटो। हाँ ये रहा ज़ोंबी ब्रोंटो एंड ब्रोंटो का सैडल मेरे पास आई थिंक ना होगा शायद मेरे को बनाना पड़ेगा क्या ब्रोंटो का सैडल वैसे डायरेक्टली बन जाएगा गाइस अपन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट ब्रोंटो का सैडल बन चुका है मेरे पास। जो फालतू का सामान है गाइस वो इसके अंदर डाल दूँ क्या मैं लाइक बेरी और डायनोज इतने ज़्यादा टेम कर ले गया मैंने इतने कम एपिसोड्स में शायद कुछ ज़्यादा ही डायनोज अपन टेम कर चुके हैं। हाँ जाओ गाइस ज़ोंबी ब्रोंटो को चलाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। होए 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 गाइस ओबी बोल ले गाइस
देख रहे हो गाइस अपना ब्रोंटो कितना ज्यादा खतरनाक वाला लग रहा है गाइस। और ये ज़ॉम्बी ब्रोंटो, इसकी आंखें देखो, येलो डर्टी येलो वाली। एंड इसके पावर कौन कौन से पावर है क्या कोई तेरे पास? ना तो नॉर्मल ही है भाई, नॉर्मल ही है गाइस। आई थिंक ये नॉर्मल अटैक है ना गाइस इसका, शायद ही नॉर्मल अटैक है। कान फाड़ अटैक भाई, चलने पे कान फाड़ दे रहा है गाइस। रुक जाओ, थोड़ा गेम का हाउस कम कर लेता हूँ ताकि चलने पे कम कान फाड़े ये। एंड मैं देखना चाहता हूँ अगर अपन इससे किसी को मारते हैं तो क्या भाई वो अपोनेंट जिसको अपन मारेंगे वो इन्फेक्टेड होगा। लेट्स सी। अरे यार 15,000 का डैमेज दे रहा है, बट ये कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहा भाई। लो ब्रोंटो भाई, इसको टेम करके क्या फायदा? मैंने इसको इसलिए टेम करा था कि एक तो भाई ये ज़ॉम्बी है, देन सेकेंड ये अपना ब्रोंटोसोरस है, और ब्रोंटोसोरस आपको पता है कितना ज़्यादा सामान इकट्ठा कर सकते हैं। एंड आई थिंक हार्वेस्ट कर रहा है डायनोस को, बट डायनोस को हार्वेस्ट करने से ज़्यादा कुछ गए जिसके हाथ नहीं लग रहा, खाली हाइड हाथ लग रहा है। ये टाइटनसोरस टाइटन है, और ये ब्रोंटोसोरस थोड़ा सा अजीब है गाइस, ठीक है। मेरे को इसकी पावर जो है ना जो समझ बिल्कुल नहीं आई यहाँ पे। वंस मोर ट्राई कर लेते गाइस यहाँ पे। ऑलराइट, इसको बेल डाल। ओ भाई टू ले कड़ा में, जो डैमेज के मामले में एक नंबर है गाइस, डैमेज के मामले में एक नंबर है। वैसे भाई ये कुछ भी हार्वेस्ट नहीं कर सकता, ये तो मेरे को पता चल चुका है। वैसे इसका डैमेज काफी तगड़ा वाला है गाइज, मेरे को इसका डैमेज जो ना का जो काफी पसंद आया, प्लस इसका जो ज़ॉम्बी लुक है ना गाइज वो तो नेक्स्ट लेवल ही है भाई। और इसके अलावा भाई रुक जाओ, ये वाला अटैक कितना डैमेज देता है? ये वाला अटैक काफी तगड़ा डैमेज देगा गाइज, देखा कितना टू लैक का ही डैमेज दे रहा है। ऑल राइड चलो गाइज, ज़ॉम्बी वाला गाइज ब्रोंटो देखा आपने। चलो भाई अब इसको मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, मेरे को ज़ॉम्बी ब्रोंटो में सच बताओ कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को तो चाहिए ये चीज भाई। अब इसकी असली पावर देखना आप भाई, थोड़ा लो लेवल का है तो मे बी डैमेज कम हो सकता है, बट इसकी पावर देख लेना गाइस, ठीक है। और पावर देख लेना, बाइट अटैक, लिप क्लिक अटैक, और ये वाला अटैक। अब आप बोले कि ये अटैक क्या है गाइस? आसमान से बिजलियां कड़कते हुए दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है। और ये बिजलियां क्या करती है? ये बिजलियां एक्चुअली में मैं आपको दिखा देता हूँ कि करती क्या है गाइस, ठीक है। देखना गाइस, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आपके आजू बाजू कोई डायनो समझ लो, एंड मैं अगर ये वाला अटैक दे देता हूँ तो उसको जो है ना गाइज, ओ यस अपने अंदर से हम जो है ना गाइज एक चलते फिरते भाई इलेक्ट्रिक टावर की तरह आसमान से बिजलियां मेरे ऊपर गिरती है, और मेरे आजू बाजू जो भी डायनो होगा उसको मेरे शरीर के अंदर से, मतलब जो आसमान से बिजलियां गिर रही है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ वंस में, रुक जाओ। वेट अ मिनट भाई, ये खतरनाक चीज हाथ लगी है यार अपने। देखो गाइस, ये आसमान से जो बिजलियां गिर रही है, ये बिजलियां गिरने के बाद पावर मेरे अंदर आ जाती है, एंड मेरे अंदर ये सारी बिजली की पावर भाई समा जाती है। देन मेरे आजू बाजू जो भी डायनो होगा ना गाइस, उसको यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है गाइस। लाइक ये देखो, अभी ये देखो, इसको देखो कैसे बिजली वाले अटैक से मारूंगा मैं भाई, ठीक है। देखना कैसे बिजली जाएगी ऑटोमेटिक इसके ऊपर, ये देख रहे हो एक बड़ी सी बिजली की जो ना गाइस सीधी लाइन इसके अंदर घुस गई, और इसकी बैंड बजा डाली, अंदर से जला के खाक कर दिया गाइस उसको भाई। ये अटैक जो ना गाइस खास करके अगर आप ग्रुप फाइट कर रहे हो ना तो वहां पे काफी ज्यादा काम आता है। मेरे को जो ना गाइस ऐसा ग्रुप भाई, ऐसी एक सी जगह ढूंढने दो जहाँ पे आजू बाजू काफी सारे डायनोज हो, एंड वहां पे मैं ये अपने स्पेशल अटैक जो ना गाइस वो ट्राई मारना चाहता हूँ। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस ये अटैक जो ना गाइस आपको दिखाने के लिए। चलना भाई, ओके। और यहाँ पे तीन लोग है, तीन लोग के ऊपर भाई, अच्छा ये दो लोगों के ऊपर मैं ट्राई मार लेता हूँ, ठीक है। ये दो लोगों के ऊपर ट्राई मारता हूँ, देखना ये देखना। अरे यार भाई, हेलो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? अच्छा मेरे को बार बार भाई मतलब वो करते रहना है, और ये अटैक जो ना गाइस एक डायनो से दूसरे डायनो में कनेक्ट होते हुए जाता है। ऑलराइट, हेल्थ 1 मिलियन, इससे पंगा लेना भाई बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा भाई। हेलो अंकल, कैसे हो? मेरे को इलेक्ट्रॉनिक दे दो, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉनिक अपन ले लेते हैं, एंड इसके डैमेज में थोड़े से पॉइंट डाल देते। वैसे इसका हेल्थ जो है ना गाइस उतना ज़्यादा तगड़ा वाला लग नहीं रहा मेरे को भाई, ठीक है। 1 लाख इसके हेल्थ में डाल दिया मैंने पॉइंट। इसको एपीएम के पोजीशन खिला दूँ क्या, था कि इसके डैमेज गाइस और भी ज़्यादा तगड़ा वाला बढ़ सके। मेरे को ये डायनो जो ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है। ऑलराइट, एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर जो ना गाइस एपीएम के पोजीशन डाल के खिला भी दिया है, मैं थोड़ा गेम का आवाज़ भी बढ़ा देता हूँ, एंड आ जाओ। बाप रे, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया लग रहा है गाइज, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया। वैसे इसके भी जो ना कहीं चलने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ही लाउड है। लेट्स गो। हेलो अंकल, सोते हो इस टाइम पे? सोते हो बेच क्या? खत्म। हेलो, ऊपर किसको मार रहा है? ऊपर भी मार दिया किसी को? ओके, ओ ये अटैक अगर आपको देखना है ना, मेरे को एक जगह पता है कहाँ की,
रुक जाओ मैं आपको बता देता हूँ। रेक्स हेलो अंकल, कल आना कल 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 ठीक है, कल आना कल, कल आना बेटवा बेटवा कल आना भाई। रेक्स ना मर रहा है मेरे से, मर गया भाई, मर गया गाइस। ये अगर अटैक आपको चेकआउट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मैं ये अटैक चेकआउट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखना है, ये देखना तीन डायनो मेरे आजू बाजू है, देखो ओ तीन नहीं चार पांच डायनो मेरे आजू बाजू थे, सबको मार दिया अपने लाइटनिंग अटैक से। ओ माय गॉड भाई, मेरे अंदर आ चुके अनहोनी शक्तियां गाइस। मैं मेरे से पंगा पड़ जाएगा हर एक को महंगा। अब मैं अगला आ रहा काला नकाल खत्म। पानी के नीचे चल, पानी के नीचे चल। आ कौन है रे मूसा शूसा, क्या रे ज़ॉम्बी प्लेस हो, बड़े बन गए तुम लोग, बड़े बन गए, लाड़ में आ रहे हो। मूसा इतने जमीन पे नजदीक कैसे आ गया भाई, देखो कैसे कनेक्ट कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक अटैक, देखना कैसे कैसे कनेक्ट कर रहा है। हेलो मूसा शूसा, कौन सा मूसा है बे तू, एक्स मूसा। अरे कल आना ना बेटा, कल आना, आज मूड नहीं, मर रहा नहीं वो, मैंने आई थिंक हार्वेस्ट कर लिया गलती से। ऑल राइट डंकलियो ज़ॉम्बी डंकलियो बिंकलियो भाई, यहाँ पे काफी तगड़े वाले डायनो स्पॉन हो चुके हैं गाइस। भाई मेरा इलेक्ट्रिक अटैक यहाँ पे मेरे को दिखाना था, बट वो भाई मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक अटैक जो ना गाइस दिखाने के लिए कहाँ पे आया था भाई। और यार मेरे को वो वाला अटैक लग चुका है, सारे डायनो के मेरे को मारना चालू कर देंगे, देखो हाँ इनके ऊपर गाइज अभी मेरा अटैक देखना, जय भद्रकाली, ये देखो ये देखो देखो पार्ट से। ओ ओ ओम वो गाइज, ओ ये क्या है, कितने डायनो को मारा मैंने यहाँ पे, व्हाट मैंने कितने डायनो को मारा गाइज यहाँ पे, मेरे को खुद पता नहीं। हेलो हीरोप्ट्रो कैसे हो, क्या हाल चाल, ओ भाई उल्लू दवाई। हेलो अंकल कैसे हो, अरे यार इसके ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो ना गाइस जिसके ऊपर एक आर्मर होता है इस लूंडे के पास, ये जो डंकली है ना गाइस जिसके पास एक आर्मर होता है, उस रीजन से बार बार बचे जा रहा है। ये ले बेटा खाली बिजली वाला अटैक देके मारा है गाइस मैंने, खाली बिजली वाला अटैक, खत्म खत्म भाई। इसकी भी बैंड बच गई और इसको भी हार्वेस्ट कर लिया, हवा में उड़ने वाले डायनो को भी मैंने पेल डाला भाई। और भाई क्या चीजें मिली मेरे को, काफी ज्यादा चीजें जो ना गाइस वो मेरे इन्वेंटरी में ऐड हो चुकी है, खास करके चिटिन बिटिन और ब्लैक पल्स भी ऐड हो चुकी है, ऑयल भी ऐड हो चुका है काफी बढ़िया, और सिलिका पल भी, मतलब जिनको मैं मारता हूँ उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली गाइस सर्विस कर लेता हूँ। ये काफी कूल पावर जो ना गाइस मेरे को इस कारनो की लगी, बट वैसे आपको ये वाली पावर जो ना गाइस वो कैसी लगे बता देना। ये भाई बिजली वाली, भाई बिजली वाली पावर देखना चाहोगे, देखना चाहोगे बिजली वाली पावर, ये देखो यस सबको कनेक्ट भाई, आगे उधर भी कनेक्ट करके उसको भी मार दिया भाई। मतलब अगर कोई नजदीक नजदीक खड़ा है ना, तो मेरी लाइटिंग के साथ जुम जुम जिप 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 करके जो ना काफी ज्यादा दूर तक जा सकती है भाई। ये वाला गाइस जो ना पावर मेरे को काफी ज्यादा ही पसंद आ रहा है गाइस भाई। ये डायनो जो ना गाइस नाम क्या है इसका, टूमल्टोन्स भाई, जो भी इसका नाम है भाई। इस वाले को मैं जो ना गाइस आगे जाके भी भाई यहाँ पे टेम करूंगा, अगर मेरे को इस वाले कैटेगरी का कोई भी डायनो यहाँ पे दिखाई दिया ना, तो उन डायनो को मैं अंकल नाना नाम नाना भाई अपन से पंगा पड़ जाएगा हर एक को महंगा गए जब भी फिलहाल के लिए। देख रहा हवा में उड़ने वाले फ्लैट तो को भी नहीं छोड़ रहा मैं भाई, देखना भाई दोनों पीढ़ी को एक साथ मारूंगा, खत्म भाई दोनों की पीढ़ी, दोनों क्या तीसरे की भी पीढ़ी बन गई भाई, इतने दूर था उसकी भी पीढ़ी बन गई, क्योंकि मेरी लाइटिंग कनेक्ट कर करके मारती है भाई। गाइस बताओ आपको जना गाइस हमारा प्यारा प्यारा सा ये कार्नो सर जी जना गाइस वो कैसा लग रहा है, अगर आपको हमारा प्यारा सा कार्नो जना गाइस अगर वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जना गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो फिलहाल के लिए गाइस आज का हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड आर्क सर्वाइवल बोलगा गाइस आर्क पुग्नेशिया का यही पे खत्म होता है, मिल जाएगा तब से सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस आर्क पुग्नेशिया के अगले एपिसोड में और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा पावरफुल वाले डायनो जो ना गाइस उनको हम टेम करने वाले, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो मिल जाएगा जब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। और जैसे हमने भाई ये ज़ॉम्बी वाला एंग्लोर, ज़ॉम्बी वाला ब्रोंटो और ये भाई लाइटनिंग अपन इसको बोलेंगे, लाइटनिंग वाला कार्नो टेम करा है ना गाइस, इन सब के लिए ओपी ओपी वाले नाम जो ना गाइस वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। Late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.